ओके गाइस, वेलकम बैक टू गेम प्ले एवरीवन। आज हम लोग खेले जा रहे हैं फेजमोफोबिया। इस गेम में हम लोगों को बहुत सारे डिफरेंट घर पे जाना होगा और घर पे जाके हम लोगों को मेनली भूत ढूंढना है। यस, आप लोगों ने सही सुना, हम लोगों को भूत ढूंढना है और भूत का कौन सा टाइप है वो भी हम लोगों को पता लगाना होगा। तो जल्दी से जल्दी हम लोग गेम के अंदर चलते हैं। ओके गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने गेम पे और हम लोग अभी है एक वैन के अंदर, ठीक है। और अभी आप लोग देख सकते हो सामने इसी घर पे हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करने जाना है। इस घर पे कैमरा लगा हुआ है, बाहर का सीसीटीवी फुटेज है ये। और हम लोग के पास अभी आप लोग देख सकते हो कि भाई बहुत सारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी है। इस इक्विपमेंट्स की मदद से हम लोग घोस्ट का टाइप पता कर सकते हैं और घोस्ट को हंट भी कर सकते हैं। हंट मतलब क्या, आप लोगों को बाद में पता चलेगा। पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग थर्मोमीटर, इसको बोलते हैं थर्मोमीटर, इससे हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर घर के अंदर है कि नहीं वो हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये ले लेते हैं, और इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक कैमरा। ये है कैमरा, इसकी मदद से हम लोग घोस्ट अगर कुछ भी करेगा या फिर घोस्ट सामने आएगा तो हम लोग उसकी फोटो खींच सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ले लेंगे एक टॉर्च, क्योंकि भाई घर के अंदर अंधेरा हो इसलिए हम लोगों को टॉर्च लेना पड़ेगा। और ये रही घर की चाबी, और हम लोग पहले वैन को खोलते हैं फिर हम लोग चलते हैं घर के अंदर, ठीक है। तो घर की चाबी तो मैंने ले ली है इसलिए हम लोग घर के अंदर जा सकते हैं। सो ठीक है, घर की चाबी की वजह से पहले हम लोग घर का दरवाजा खोलते हैं। और आप लोग देख सकते हो भाई पूरा घर एकदम डार्क होके पड़ा है, और यहाँ पे एक छुपने की जगह है। घोस्ट अगर हंट करेगा ना तो हम लोग यहाँ पे आके छुप सकते हैं। हंट मतलब क्या, वो हम लोग को पकड़ने आएगा और मारने आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ये दरवाजा भी खोल लेते हैं, और पहले हम लोग को घर का लाइट सिस्टम जो है ना वो ऑन करना पड़ेगा। तो घर का लाइट सिस्टम रहता है पहले गैराज पे, तो गैराज पे तो नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे कर्स पोजीशन भी होते हैं। और ओके, आप लोग देख सकते हो भाई, अगर आप लोगों ने हेडफोन पहन के खेल रहे हो ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई घोस्ट ने एक प्लेट फेंका है और घोस्ट ने एक और प्लेट फेंका है कहीं पे, बट वो मुझे पता नहीं चला। आप लोग देखोगे तो ये शायद से इंटरेक्शन पे काउंट हो गया होगा। आप लोग देख सकते हो मतलब घोस्ट का जो इंटरेक्शन था ना वो हम लोगों के साथ हो चुका है अभी। तो अभी हम लोगों ने वो फोटो खींच लिया और अभी वो फोटो काउंट भी हो चुका है। तो अभी हम लोगों को मेनली जाना पड़ेगा गैराज पे, ठीक है। ओके घोस्ट कहीं पे आया था भाई, डरा दिया था घोस्ट ने। तो भाई घोस्ट का स्पॉन्स ऐसे यहीं पे है। सो हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है क्या। ओके, फ्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि घोस्ट यहाँ पे स्पॉन हुआ था। ओ घोस्ट ने फिर से किसी दरवाजे को टच किया है। सो हम लोग को फिर से शायद से ढूंढना पड़ेगा यार फ्रीजिंग टेम्परेचर। ओ यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, देखो देख सकते हो आप लोग थर्मोमीटर पर फ्रीजिंग टेम्परेचर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे थर्मोमीटर को फेंक दूंगा, और पहले मैं एक काम करूंगा भाई, मैं ना पहले गैराज से जाके घर का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है ना वो पहले ऑन करूंगा, नहीं तो भाई मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, मुझे हर समय टॉर्च ऑन करके रहना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम के पास, और इलेक्ट्रिक सिस्टम ये रहा। और यहाँ पे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सिस्टम को ऑन करते हैं, और मैंने यहाँ पे ऑन भी कर दिया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक और छुपने की जगह है। अभी आप लोग देखोगे तो भाई मैं अभी घर का लाइट सिस्टम ऑन कर सकता हूँ, ये अगर मैं बटन दबाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो घर का लाइट ऑन हो चुका है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके पहले हम फैन से ना बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है ना वो ला। ओके घोस्ट ने शायद से और कुछ फेंका है। तो ये वाला फेंका है भाई घोस्ट, तो बहुत ही सारा सामान फेंक रहा है। ओके, ये प्लेट भी फेंका है, बट मेरे पास कैमरा में डील नहीं है तो अभी हम लोग फोटो नहीं खींच सकते। और यहाँ पे एक म्यूजिक बॉक्स है, म्यूजिक बॉक्स से हम लोग घोस्ट को बुला सकते हैं, बट हम लोग अभी घोस्ट को बुलाएंगे नहीं क्योंकि हम लोगों का शायद से वो ऑब्जेक्टिव होगा नहीं। वैन में जाके देखते कि भाई हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है अभी। ओके, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव तो कर लिया है, हैविंग ए मेंबर ऑफ योर टीम विटनेस ए घोस्ट इवेंट, जो कि हो चुका है। डिटेक्ट ए घोस्ट प्रेजेंस विद मोशन सेंसर, तो मोशन सेंसर हम लोग लेके नहीं आए तो भाई हम लोग को ऑब्जेक्टिव कर भी नहीं सकते। और हैव ए मेंबर ऑफ योर टीम एस्केप द घोस्ट ड्यूरिंग हंट, तो हंट के टाइम पे हम लोग को मेनली एस्केप करना है, तो भाई वो भी ईजी है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग पहले ना फ्रीजिंग टेम्परेचर तो आ गया है, पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक क्रूसिफिक्स लेके जाते हैं और एक कैमरा लेके जाते हैं, ठीक है। कैमरा से हम लोग वो जो घोस्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं वो उसका फोटो हम लोग खींच के बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। और क्रूसिफिक्स क्या काम करता है, क्रूसिफिक्स हम लोग अगर उस घोस्ट के जगह पे रखेंगे ना तो भाई घोस्ट अगर हंट करने जाएगा तो वो हंट नहीं कर पाएगा। और आप लोग देख सकते हो फिर से किसी चीज़ को भूत ने फेंका है, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं वो सब करने का, और भाई घोस्ट बार बार किसी दरवाजे पे हाथ डाल रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले यहाँ पे क्रूसिफिक्स को लगा देते हैं। क्रूसिफिक्स को मैंने वहाँ पे लगा दिया, और अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग फैन के अंदर से पहले जाके ना कुछ इक्विपमेंट्स लाते हैं ताकि हम लोग घोस्ट का टाइप को पता कर सके, ठीक है। तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, हम लोग अभी लेके चलते हैं स्पिरिट बॉक्स। स्पिरिट बॉक्स से हम लोग घोस्ट के साथ बात भी कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ की मदद से हम लोग घोस्ट के साथ बात कर सकते हैं। तो पहले घोस्ट स्पॉन की जगह पे चलते हैं और वहाँ पे जाके घोस्ट के साथ बात करते हैं। और भाई घोस्ट भाई, तूने कुछ फेंका है क्या अभी? ओके, अभी तो शायद से घोस्ट भाई ने कुछ भी नहीं फेंका। और भाई हॉल रूम का लाइट कहाँ पे है, मैं भूल गया हूँ। ओके, हॉल रूम का शायद से ये वाला लाइट है। ओके लेट्स गो। और ये वाला यहाँ पे लाइट, ओके यहाँ पे है। तो भाई यहाँ का लाइट शायद से इसने तोड़ दिया था। ओके, सो हम लोग अभी घोस्ट के साथ बात करते हैं।
इवेंट के टाइम हम लोग घोष्ट का फोटो खींच सकते हैं भाई, बट मैं डर गया था थोड़ा, इसलिए मैं फोटो नहीं खींच पाया। सो अभी हम लोग स्पीड बॉक्स को ऑन करते हैं, अभी घोष्ट के साथ बात करते हैं। घोष्ट, आर यू हियर? घोष्ट, आर यू क्लोज? हाउ ओल्ड आर यू घोष्ट? घोष्ट, हाउ ओल्ड आर यू? घोष्ट, आर यू हियर? घोष्ट, आर यू ओल्ड? घोष्ट, आर यू हियर? आर यू हियर? आर यू क्लोज? वेयर आर यू? गिव अस अ साइन, गिव अस अ साइन। आर यू हियर? आर यू क्लोज? वेयर आर यू? गिव अस अ साइन। आर यू हियर? आर यू क्लोज? गिव अस अ साइन। वेयर आर यू? ओके, आई थिंक सो कि भाई मेरा आवाज़ नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे घोष्ट सुन तो पा रहा है बट वो रिप्लाई नहीं दे रहा है। शायद से मुझे लग रहा है कि भाई स्पिरिट बॉक्स है नहीं, तो स्पिरिट बॉक्स को हम लोग अनटिक कर देंगे। और भाई घोष्ट तो बहुत ही सारे दरवाजे को हाथ दे रहा है, मतलब घोष्ट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, तो हम लोगों के पास फोटो में रील तो अभी 3 है। ओके, और हम लोग के पास अभी टॉर्च भी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना पहले जाके ये जो घोष्ट राइटिंग है ना, ओ हम लोग को शायद से फिंगरप्रिंट भी मिल सकता है। सो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग घोष्ट राइटिंग को यहाँ पे फेंक देते हैं। घोष्ट बहुत ही सारे चीज़ों को टच कर रहा है ना, शायद से हम लोग को फिंगरप्रिंट मिल सकता है, और इस चीज़ की मदद से हम लोग फिंगरप्रिंट भी ढूंढ सकते हैं। इस चीज़ का नाम है ग्लो स्टिक, जिसकी मदद से हम लोग यूवी रे छोड़ सकते हैं और उसकी मदद से हम लोग फिंगरप्रिंट ढूंढ सकते हैं। तो इस दरवाजे को भी टच, ओ किसी दरवाजे को टच किया अभी घोष्ट ने। ओके शायद से इस दरवाजे को, ओके आप लोग देख सकते हो गाइस, इस घोष्ट का फिंगरप्रिंट है। तो हम लोग पहले इस यूवी रे को यहाँ पे फेंक देंगे और पहले हम लोग इसका एक फ़ोटो खींच लेंगे ताकि ये फ़ोटो काउंट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को मेनली दो चीज़ मिल चुका है, हम लोग को मेनली अभी दो एविडेंस तो मिल चुका है। एक है फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर को हम लोग मार्क कर लेते हैं, और एक है फिंगरप्रिंट। तो ये घोष्ट शायद से इन चारों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को और भी सारे एविडेंस कलेक्ट करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम ना पहले थोड़े से कुछ सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है, ताकि घोष्ट उसके ऊपर से चल दे और हम लोग उसका फोटो खींच सके। जाके पहले ये सॉल्ट उस फ्लोर पे, ओके ओ माई गॉड भाई, मैंने सोचा भाई क्या हो गया, हेलो। ओके भाई, मैंने लाइट ऑन नहीं किया था भाई, मैंने सोचा मैं तो गया। ओके, पहले एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे हंट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रूसिफिक्स लगाया रखा है, तो हंट अभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉल्ट फेंक देते हैं, और यहाँ पे एक सॉल्ट, और यहाँ पे एक सॉल्ट। और भाई कान के पास से घोष्ट बार बार हा हा करके जा रहा है, बट आई डोंट केयर। ओके, आई डोंट केयर भाई, कान के पास से घोष्ट कुछ भी करे। ओके, पहले हम लोग वैन पे चलते हैं, फिर से एक और इक्विपमेंट लाते हैं ताकि हम लोग घोष्ट का एक और एविडेंस पता कर सके। मेनली 3 एविडेंस हम लोग को चाहिए ताकि हम लोग घोष्ट का टाइप पता कर सके। तो एक और एविडेंस मिल जाएगा तो हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अभी लेके चलते हैं इसको घोष्ट राइटिंग को। ठीक है, घोष्ट अगर, तो इस नोटबुक की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि भाई घोष्ट राइट कर सकता है या फिर नहीं। तो हम लोग अभी यहाँ पे घोष्ट राइटिंग को भी रख देते हैं, घोष्ट राइटिंग को यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं। और भाई ये पैर क्यों नहीं मार रहा उसके ऊपर, हेलो, आर यू हियर? आर यू क्लोज? गिव अस अ साइन। शायद से घोष्ट रन कर रहा है अभी। ओके गाइस, घोष्ट अभी हंट कर रहा है, मतलब घोष्ट हम लोगों को मारने के लिए रेडी है। ठीक है, और हम लोग अभी यहाँ पे छुप के बैठे हैं ताकि घोष्ट हम लोगों को नहीं मार सके। और भाई ये बहुत सारे सामान फेंक रहा है। ठीक है, तो ये जिन भी हो सकता है, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है ये जिन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई इतनी जल्दी इसने हंट कर दिया, या फिर डीमन भी हो सकता है। ओके, हंट खत्म हो गया अभी, अब हम लोगों को जाके देखना पड़ेगा कि भाई उसने घोष्ट बुक पे राइटिंग नहीं किया। ठीक है, घोष्ट बुक पे राइटिंग नहीं किया तो मतलब घोष्ट राइटिंग है नहीं। ओके, सो हम लोगों को, ओ भाई फिर से हंट, ओ हंट नहीं था ये, ओके इवेंट था भाई। मैंने सोचा भाई फिर से हंट कर दिया, भाई रूम के बाहर ही नहीं जाने दे रहा ये तो। वो हम लोगों को पहले वीडियो कैमरा लेना है, वीडियो कैमरा लेने के बाद ये लेना है ट्राईपॉड। पहले हम लोग एक कैमरा फेंकना होगा, फिर हम लोग ट्राईपॉड को यहाँ पे लगा देते हैं, और उसके बाद हम लोग वीडियो कैमरा को इसके ऊपर अटैच करना होगा। सो हम लोग वीडियो कैमरा तो अभी तैयार हो चुका है, और इसके बाद हम लोगों को डॉट्स प्रोजेक्टर लेके जाना पड़ेगा। ये है डॉट्स प्रोजेक्टर, इसको हम लोग अगर उस रूम पे लगाएंगे तो हम लोगों को भूत इसके ऊपर से चलते हुए दिखेगा। तो जल्दी से जल्दी पहले ये दोनों इक्विपमेंट भी सेटअप करके आ जाते हैं। मैंने एक गलती किया पता है, मुझे एकदम स्टार्टिंग गेम पे ही ना ये दोनों चीज़ इक्विपमेंट पहले सेटअप करके आ जाना था, नहीं तो भाई भूत अभी तो बहुत ज़्यादा हंट कर रहा है। और भाई आप लोग देख सकते हो उसने क्रूसिफिक्स भी अभी जला दिया है। ओके, फाइनली भाई उसने कुर्सी भी जला दिया, भाई फिर से हंट करेगा घोष्ट। ओके अभी सही है। हम लोग अभी वैन के अंदर चलते हैं, और वैन के अंदर जाके ना हम लोग देखते हैं कि भाई घोष्ट और या फिर डॉस प्रोजेक्टर है कि नहीं। ओके, हम लोग अभी कैमरा से देखते हैं कि भाई ये डॉस प्रोजेक्टर में दिखता है कि नहीं।
पहले हम लोग देखते हैं कि घोस्ट ऑफ है कि नहीं। घोस्ट ऑफ मतलब क्या सीन होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ इंसेक्ट टाइप का उड़ता हुआ दिखेगा, ठीक है, वो है घोस्ट ऑफ। तो हम लोग को अभी थोड़ा थोड़ा कुछ इंसेक्ट टाइप का तो उड़ता हुआ नहीं दिख रहा, और मुझे लग नहीं रहा कि भाई यहाँ पे घोस्ट है, बट फ्रीजिंग टेम्परेचर तो वहाँ पे था यार। हम लोग को अभी देखना पड़ेगा कि डॉट्स प्रोजेक्टर है कि नहीं। उसने क्रूसिफिक्स तो वहाँ पे जला दिया है, क्रूसिफिक्स का हम लोग एक जले हुए का फोटो भी ले सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि भाई घोस्ट कभी भी हंट कर सकता है। डॉट्स प्रोजेक्टर में अगर भूत दिख जाएगा तो भाई डॉट्स प्रोजेक्टर को हम लोग मार्क कर दे सकते हैं और हम लोग को तीनों एविडेंस मिल जाएगा। तो भाई इसके ऊपर से भी नहीं चल रहा, मैं EMF लेके जाऊँ यार, EMF एक बार चेक कर लेता हूँ। EMF 5 अगर हो गया ना, ये है EMF रीडर। ओके गाइस, तो इसकी मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई घोस्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। ओके, तो हम लोग इसे ऑन कर लेते हैं, और ऑन करते ही ओ भाई हंट हो गया। भाई भाई फेंको 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 भाई, बहुत ही ज्यादा लो हो चुका हूँ मैं। गया मैं गया मैं गया भाई, क्या भाई जाते ही हंट कर दिया भाई। खोल दरवाजा, खोलो भाई, मुझे भागने दो यहाँ से भाई, मैं ना रह रहा है भाई। ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव घोस्ट है भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव घोस्ट है भाई। मैं भाग रहा इस घर से, और मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मार्क कर रहा हूँ जिन। ओके भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ 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 फॉर गॉड से प्लीज़ यार जिन हो जाए प्लीज़, पूरा एकदम परफेक्ट एक गेम निकल जाएगा। बट परफेक्ट गेम कैसे निकलेगा, मैंने तो क्रूसिफिक्स का फोटो नहीं लिया EMF 5 चेक करने के लिए, हंट था। बट ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, हम लोगों ने एक दो ऑब्जेक्टिव तो कर ही लिया था, और हम लोगों को पहले $90 मिल चुके हैं। नाइस भाई, $100 के आसपास मिल चुके हैं। सो ओके गाइस, यही था फैज़ ऑफ होविया का एक मैच, और इस गेम का मल्टीप्लेयर मोड भी है। तो अगर आप लोग मेरे साथ फैज़ ऑफ होविया खेलना चाहते हो तो भाई कमेंट कर देना नीचे, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा एंड सी यू नारा।